बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज की जो वीडियो है ना जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वन सिंगल ब्रांड रिव्यू। ठीक है, इसी ब्रांड से हमने मेकअप भी करना है, इसी ब्रांड का हमने रिव्यू भी करना है। तो आपने करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट, लाइक यू आर सपोज टू डू एवरीथिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको फौरन से मिल जाए। बिस्मिल्लाह करूंगी सबसे पहले मिस रोज के इस कंसीलर के साथ, और ये कंसीलर मैं लगा लूंगी। आप देखिएगा कि इससे ना बहुत ही अच्छी किस्म की जो आपकी स्किन की टोन है ना, वो इवन हो जाती है। तो आपको किसी किस्म की जो एक्स्ट्रा फाउंडेशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो स्प्रिंग सीज़न होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा केकी किस्म का मेकअप अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर चीज़ बड़ी फ्रेश होती है और आपको भी ना थोड़ा फ्रेश लगना चाहिए। तो जो इसको आप अच्छे से मर्ज कर लीजिए। अपने पूरे चेहरे पे इस तरह से ब्रश की मदद से जो है ना, उसको स्प्रेड कर लेना है बहुत इवनली। सो हेयर आई एम डन विद द बेस विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। तो अब मैं इस कंसीलर को, इस बेस को बैलेंस करने के लिए यूज़ करूँगी लूज पाउडर का, जो कि मिस रोज़ का लूज पाउडर है। सो मैं ये वाला लूज पाउडर यूज़ करने लगी हूँ टू बैलेंस माई फेस। तो ये जो लूज पाउडर है वाइट शेड में है, जो कि मैं अपनी स्किन के ऊपर लगाने लगी हूँ टू बैलेंस माई स्किन। ये बहुत अच्छे से आपकी जो स्किन है ना, उसको बैलेंस कर देता है, स्पेशली ये अंडर आई एरिया, यहाँ पे जरूर लग। लूज पाउडर है ना, ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो आपकी बेस है ना, उसको बहुत अच्छे से सेटिंग लुक दे देता है। सो इट कैन बी यूज लाइक रिकमेंडेड। ये आती है अपने फेस की कॉन्टोरिंग करने की, और ये जो कॉन्टोरिंग वाला स्टेप है ना, ये मेरा फेवरेट वन है, क्योंकि ऐसे लगता है कि यू हैव लॉस्ट टन्स एंड टन्स ऑफ वेट, क्योंकि आपकी जब कॉन्टोरिंग होती है उससे जो आपके नक्श है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। पास जो मिस रोज की कॉन्टोरिंग किट है ना, वो अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैं उन्हीं से आपको अपना मेकओवर करके बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगी कि ये जो मेकअप है ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है, इस पर रिलाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है, और इसकी जो फिनिशिंग लुक है वो किस तरह की होती है। तो मेरे पास ये ब्लशर पैलेट है, इसके अंदर मैट शेड्स हैं, जिनमें से मैं ये वाला जो सेंटर वाला ब्राउन है ना, ठीक है, ये वाला शेड इसको इस्तेमाल करने लगी हूँ टू कॉन्टोर माई फेस। सो ये एंगल ब्रश की मदद से मैं अपनी कॉन्टोरिंग कर लूँगी। इस कॉन्टोरिंग को सेट करने के लिए दोबारा से मैं लूज पाउडर का इस्तेमाल करूंगी, ताकि जो मैं अपने हाइलाइटेड एरियाज हैं उनको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। अंडर योर आईज एंड ऑन योर फोरहेड आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ किस्म का जो है ना, यहाँ तक मेकअप हो चुका है। तो अब हमारी यहाँ तक कॉन्टोरिंग खत्म हो चुकी है, अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन के लिए मैं मिस रोज़ की ये प्रोफेशनल मेकअप ब्लश ग्लो किट इस्तेमाल करने लगी हूँ, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। और इसका ये बहुत ही प्यारा एक पीची सा शेड है ये वाला, इसको मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो देखते हैं कि इसकी जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गुजारा गुजारा है, या इस पर रिलाई किया जा सकता है, ठीक है। देख लें कि बहुत अच्छा सा जो है ना, वो शेड जो है वो डेवलप हो गया है। बट वन थिंग जो कि मैंने इसमें नोटिस की है कि इसके अंदर किसी किस्म का शिमर नहीं है, किसी किस्म की ग्लो नहीं है। इवन दो देर इज़ रिटन ब्लश ग्लो किट, ग्लो किट तो आप इसको नहीं कह सकते, जस्ट ब्लश किट कह सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर किसी किस्म की ग्लो मौजूद नहीं है, लेकिन इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। तो जो लोग बहुत मैट मेकअप करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट है, और जो लोग थोड़ी ग्लो चाहते हैं कैन ऐड अ लिटिल बिट ग्लिटर और अ शिमर इन द फॉर्म ऑफ अ हाइलाइटर, ठीक है। तो अच्छी किट है, पिगमेंटेशन अच्छी है, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। और ये जो शेड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लश ऑन के लिए, पीची शेड है और बहुत प्यारा लग रहा है। विथ हाईलाइटिंग मेरे पास मिस रोज़ का हाईलाइटर मौजूद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट फाइंड दैट पैलेट, ठीक है। तो मेरा अपना ये रेवोल्यूशन का हाईलाइटर है,
तो मैं इसको थोड़ा सा ऐड ज़रूर करूँगी. उसकी रीज़न ये है कि आई वॉन्ट अ लिटिल बिट ग्लो ऑन माई चीक्स. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस रेनेसेंस हाईलाइटर पैलेट. ये जो हाईलाइटर पैलेट है ना, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है. ठीक है, सो नाउ आई गोना मूव टूवर्ड्स द आई. तो इसके जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शेड्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, ये पैलेट है और ये देखें, ये इसके बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के शेड्स हैं. और ये वाला कलर मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ अपनी आई की बेस बनाने के लिए. तो देखते हैं इसकी पिगमेंटेशन किस किस्म की है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शेड है सीक्रेट. अच्छा, मैंने अपनी आंखों की बेस बना ली है बहुत ही न्यूट्रल कलर के साथ. और अब मैं क्रीज के लिए थोड़ा सा डार्कर शेड इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये वाला शेड. ठीक है, आप इसको जो आपने अपनी बेस पे लगाया है ये शेड उससे स्लाइटली डार्कर है. अब मैं जो थर्ड शेड है अपनी आई के लिए वो इस्तेमाल करने लगी हूँ, जो कि है रॉ. सो आई एम गोना यूज दिस डार्कर शेड एट माई आउटर कॉर्नर्स. और यही शेड हम लोअर लैश लाइन पे भी लगाएंगे. आई इसको पॉप अप करने के लिए एक ग्लिटर शेड ऐड कर रही हूँ. तो इस न्यूड पैलेट की पिगमेंटेशन परफेक्ट है. मिस रोज की न्यूड पेंसिल लगा लें, आंखों को बहुत अच्छी डेप्थ देती है. ये हाईली रिकमेंडेड है फ्रॉम माई साइड. राउंड शेड में, ठीक है, ये है इबोनी 2. ठीक है, ये शेड मैं मिस रोज का इस्तेमाल करने लगी हूँ टू टिंट माई आईब्रोज. मुझे ना ये आईब्रो टिंट भी बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही परफेक्ट है. सो नाउ आई एम डन विद द मेकअप. मुझे हाईलाइटर नहीं मिला था मिस रोज का, तो मेरे पास जो हाईलाइटर अवेलेबल है उसी से मैं अपनी चिन को, अपने नोज को और जो मेरा अपर लिप्स है उसको हाईलाइट कर लूँगी. थोड़ा सा हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो स्किन है ना वो बहुत अच्छे से ग्लो करने लग जाती है. ठीक है, सो द लास्ट स्टेप इज़ जस्ट टू पुट ऑन द लिपस्टिक. तो मैं लिपस्टिक लगाने के लिए ये सॉफ्ट मैट का पीची शेड यूज़ करूँगी. बहुत ही प्यारा सा कलर है और इस मेकअप को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा. तो आई एम डन विद माई मेकअप. सो मिलते हैं फाइनल लुक में. You can.